जय जय श्री राधे रथ मथुरा के अंदर प्रवेश किया, सबने कन्हैया का दर्शन किया, एक धोबी मिला, वस्त्रों को खच्चरों पर लाद करके ले जा रहा था, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र उस पे लदे हुए थे। कन्हैया ने कहा, महाराज इस पर ये इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हजारों की संख्या में आप ले जा रहे हो, अरे इनमें से कुछ हमारे ग्वाल वालों को भी दे दो, ये भी अच्छे वस्त्र पहन ले। तो उस धोबी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, ये वस्त्र मालूम किसके हैं? ये राजा कंस के हैं, ये राजा कंस के वस्त्र गमार ग्वाल वाले पहनेंगे। और जो इतना धोबी ने कहा, कन्हैया ने एक हाथ घुमाया और ऐसा कस के धोबी के मारा कि एक ही बार में उसका प्राणांत हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, एक ही बार में प्राणांत हो गया। कन्हैया ने कहा, हम तुम्हें मार तो उसी समय देते जब तुमने सीता मैया पर दोष लगाया था, उसी समय हम मार देते, लेकिन इसलिए हमने नहीं मारा कि तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हमने अवतार लिया था। अगर उस समय हम तुम्हें मार डालते तो लोग ये कहते कि पत्नी की वजह से मार डाला, लेकिन इस अवतार में हम मर्यादा को खूंटी पे टांग के आए हैं। सठे साठ्यम समाचरित, जैसा करेगा उसको तुरंत वैसा ही दंड। धोबी को पहुंचा दिया, आगे बढ़े हमारे कन्हैया। अथ ब्रजन राम जपथि न माधवा स्त्रिय गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य गोब्जाम युवती बरानन पपक्षयान्ति प्रहसन रस प्रदा। का त्वं वरो रवे तदहानुलेपनं काशंगनेवा कथयस्व साधुना देहमयोरंग विलेपमोत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद् भविष्यति। सुंदरी, अरे तुम ये सुंदर अंगराग किसके लिए ले जा रही हो, जरा हमारे भी लगा दो। तो जैसे सुंदरी कहा कुबजा को, तो कुबजा जो तीन जगह से टेढ़ी थी, बड़ा कुबड़ निकला हुआ था, कुबजा ने कहा, कन्हैया हमने संसार को तो हंसी बनाते देखा था, लेकिन परमात्मा भी तीन की हंसी बनाए ये मैंने कभी नहीं सुना था, ये कभी नहीं सुना था। आज मैं पहली बार परमात्मा को एक दीन दुखी की हंसी बनाते हुए सुन रही हूं। कन्हैया मैं सुंदरी लग रही हूं आपको? अरे मैं तीन जगह से टेढ़ी, मेरे ऐसा कुबड़ निकला हुआ, इतनी कुरूप, और आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं? कन्हैया ये मेरी हंसी बना रहे हैं? कन्हैया ने कहा, कुब्जा मैं जो कहता हूं वो सत्य कहता हूं, जो कहता हूं मैं सत्य कहता हूं। कुब्जा ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हें सुंदरी लग रही हूं? कन्हैया ने कहा, कुब्जा थोड़ा पास आओ। कुब्जा पास गई, कन्हैया ने कहा थोड़ा और पास आओ। कुब्जा और पास गई, कन्हैया ने कहा अभी नहीं, थोड़ा और पास आओ। कुब्जा और पास गई, और जब बिल्कुल ठीक पास पहुंच गई कन्हैया के कुब्जा, तो कन्हैया ने एक पैर अपना कुब्जा के पैर पर रखा, एक अपना हाथ कुब्जा की कमर पर लगाया और एक हाथ कुब्जा के तालू पर लगाया और ऐसा झटका दिया कि एक ही बार में कुब्जा सुंदरी बन गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये कुब्जा क्या है? ये कुब्जा है हमारी बुद्धि।
हमारी बुद्धि तब तक सुंदर नहीं होती है जब तक वो कन्हैया के चरणों में नहीं लगती है। परमात्मा जब तक कृपा नहीं प्राप्त होती है, परमात्मा का सानिध्य जब तक इस बुद्धि को नहीं मिलता है, परमात्मा की शरण जब तक इस बुद्धि को नहीं मिलती है, तब तक ये शुद्ध नहीं होती है, सुंदर नहीं बनती है। इसलिए यदि अपनी बुद्धि को सुंदर बनाना हो तो अपनी बुद्धि को संसार की जगह हमारे सरकार में लगाना सीखो, मेरे ठाकुर में लगाना सीखो प्यारे। उसी दिन कल्याण हो जाएगा। कुबजा को सुंदरी बनाया कन्हैया ने, आगे बढ़ा कन्हैया का रथ, वैश्यों ने स्वागत किया, कन्हैया ने वैश्यों को लक्ष्मी प्रदान की। फिर कन्हैया धनुष यज्ञ में गया और धनुष को उठा करके उसके दो टुकड़े करके फेंक दिए। जब ये कंस को समाचार मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ, रात भर नहीं बिचारा सो पाया। सुबह नंद बाबा के साथ बलराम और कन्हैया दोनों यज्ञशाला में पहुंचे तो सबसे पहले कुबलिया पीड़ हाथी मिला। कुबलिया पीड़ हाथी मिला तो कन्हैया ने उस हाथी की सूंड पकड़ के ऐसा घुमाया और एक ही बार में ऐसा पटका पृथ्वी पर कि एक ही बार में उस हाथी के प्राण निकल गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। उसके बाद कन्हैया ने चाड़ूर को और बलराम भैया ने मुष्टिक को खत्म कर दिया। इसके बाद कन्हैया उछला और कंस के सिंहासन पर पहुंचा। कंस के बाल पकड़े कन्हैया ने और कहा, कंस मैं हूं कृष्ण, देवकी का आठवां गर्भ और तुम्हारा काल। ऐसा कहते हुए कन्हैया ने कंस के बालों को पकड़ करके ऐसा घुमाया कि और ऐसा जमीन पर पटका कि एक ही बार में कंस के प्राण निकल गए। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जो कंस की दो रानियां थी अस्थि प्राप्ति, उनको समझाया कन्हैया ने कि मामी जो यहां आया है वो यहां से जाएगा, इसलिए आप शोक मत कर। अस्थि और प्राप्ति का मतलब समझे आप? अस्थि माने जो खर्च और प्राप्ति माने जो आय। जो सदैव खर्च और आय इसी के ब्योरे को लगाता रहे, इसी में पूरा जीवन पड़ा रहे, वही है कंस। और कोई कंस नहीं है, इसकी दो वृत्तियां हैं, कंस काम। कंस कहते हैं काम को। तो काम की दो वृत्तियां हैं, आय और व्यय। इन दोनों में ही पड़ा रहना, और जो दो इन दो में पड़ा रहता है वही कंस है। आज कन्हैया ने समझाया दोनों को और कन्हैया ने जाकर के अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कर दिया और क्षमा मांगी, हमें क्षमा करो, बहुत देर से हमने आपको मुक्त करा पाया। माता पिता से कन्हैया ने क्षमा मांगी, उग्रसेन को राज्य दे दिया और अपने नाना को राज्य दे करके अब कन्हैया संदीपन गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता है। ध्यान रखना प्यारे, दुनिया में चाहे कोई हो, बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। भगवान ने यह संदेश दिया है गुरु के पास जाकर कि जो मृत्यु लोक में आया है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, मैं ही क्यों न हूं, लेकिन मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कोई संसार से पार नहीं हो सकता। जो हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमें परमात्मा से मिला दे, वही गुरु है। जीव को परमात्मा से मिलाने वाला गुरु है। लेकिन आज की स्थिति क्या है?
आज तो मैंने आपको बताया गुरु शिष्य की क्या स्थिति हो गई कि शिष्य और गुरु दोनों अपनी अपनी चालाकी स्वार्थ के लिए, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है, वहां समर्पण नहीं है, सबने व्यवसायीकरण कर लिया, इसलिए सब कुछ होते हुए सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है यार, कोई सुखी नहीं है, हर जगह छल कपट। हम कहते कुछ हैं, हम सोचते कुछ हैं, और कहते कुछ हैं, और करते कुछ हैं। जब तक ये तीनों चीजें नहीं एक होंगी, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। पहले गुरु के आश्रम में भेजा जाता था बच्चों को, 25 वर्ष की अवस्था तक विद्या अध्ययन के साथ साथ गुरु का व्यवहार, गुरु कैसे बोलते हैं, गुरु कैसे चलते हैं, गुरु कैसे बैठते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, वो सारा का सारा पूरी नैतिक व्यवस्था, सारे संस्कार गुरु के शिष्य में आ जाते थे। क्योंकि गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, जो गुरु शिष्य बनाए वो गुरु नहीं, गुरु सदैव गुरु बनाता है, कभी शिष्य नहीं बनाता, ध्यान रखना। जिसने शिष्य बनाया वो गुरु नहीं। लेकिन समर्पण सच्चा शिष्य का होना चाहिए, गुरु की सेवा भार बनकर नहीं करनी चाहिए, उनके साथ छल कपट नहीं होना चाहिए, शुद्ध हृदय से गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक गुरु जी थे महाराज, उनके दो शिष्य थे। तो गुरु जी सुबह उठे, पूजा करने के लिए तख्त पर बैठ गए, लेकिन गुरु जी उस दिन तुलसी दल लाना भूल गए। तुलसी दल गुरु जी नहीं लाए, तुलसी दल भूल गए। तो गुरु जी ने जब पूजा प्रारंभ की तो उसमें तुलसी दल नहीं दिखा, शिष्य दोनों पास खड़े थे, तो गुरु जी ने देखा तुलसी दल नहीं है, और बगैर तुलसी दल के शालिग्राम की पूजा नहीं हो सकती। तो गुरु जी ने एक शिष्य से कहा जो पास में खड़ा था, बेटा तुलसी दल जानते हो? तो उसने कहा गुरु जी कैसा तुलसी दल, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो कभी तुलसी दल देखा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं गुरु जी कैसा होता है, नहीं तो हम ले आते। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं जानता होगा तो दूसरा जानता होगा। तो गुरु जी ने जो दूसरा पास में खड़ा था उससे पूछा, बेटा तुम जानते हो तुलसी दल? अब वो क्या बहाना बनाए, तो उसने मालूम क्या कहा, हाँ गुरु जी हम जानते हैं तुलसी दल, वही तो होता है जिसके केले जैसे पत्ते होते हैं। केले जैसे पत्ते? गुरु जी ने कहा केले जैसे पत्ते तुलसी, इसका मतलब बेटा तुम भी नहीं जानते हो। अब गुरु जी हमें तो यही लगता है कि वही होता है जिसके केले जैसे पत्ते होते। गुरु जी ने कहा अच्छा इसका मतलब तुम दोनों नहीं जानते हो, कोई बात नहीं तुम नहीं जानते हो लेकिन हम जानते, इसलिए ऐसा करो बेटा कि अब हम तख्त पे पूजा के लिए बैठ गए, आसन हमने डाल लिया, अब हम उठ तो सकते नहीं, इसलिए तुम दोनों लोग एक तरफ तुम पकड़ो तख्त को, एक तरफ तुम पकड़ो, और जहां तुलसी दल है वहां तुम हमें लेकर के चलो। तो अब एक कुंटल के गुरुजी और एक कुंटल का तख्त, अब क्या करें, अब तो शिष्य बड़े संकट में पड़ गए कि अच्छा हमने गुरुजी से चालाकी की, मरता क्या करता, एक इधर लगा एक इधर लगा, दोनों ने बड़ी मुश्किल से तख्त को उठाया। अब वहां से तुलसी दल था कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर, अब दोनों तख्त को पूरी ताकत से पकड़े, बिचारों ने हांफते हुए ले जाकर के आधा किलोमीटर कैसे ले गए होंगे वही जानते, रख दिया गुरुजी को। गुरुजी ने तुलसी दल को तोड़ा, तख्त पे रख लिया, बोले बेटा अब लेकर के चलो। तो चेला तो पहले ही प्राण निकल चुके थे उनके, लेकिन अब गुरुजी को ले तो चल नहीं, तो फिर उठाया तख्त बिचारों ने, और जैसे तैसे
कैसे ले पाए, ले जा करके गुरु जी को पूजा के स्थान पर तखत डाल दिया। गुरु जी ने कहा बेटा ये बताओ, अब तुलसी दल तो अब तो नहीं भूलोगे। चेलों ने कहा गुरु जी हम दुनिया को भूल सकते हैं लेकिन आज से तुलसी दल हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए कभी गुरु से कोई चालाकी भूल करके भी मत करना, भूल करके भी मत करना। संदीपनी गुरु के पास कन्हैया ने विद्या अध्ययन किया, वहीं कन्हैया की भेंट सुदामा से हो गई। और जब कन्हैया चलने लगा तो कन्हैया ने गुरु जी से कहा गुरुदेव बगैर दक्षिणा के विद्या फलवती नहीं होती, कोई विद्या बगैर दक्षिणा के फलवती नहीं होती है। और गुरुदेव इसलिए जो आप चाहें जिससे आप प्रसन्न हो वो दक्षिणा आप हमसे मांग लीजिए। तो संदीपनी गुरु ने कहा कन्हैया हमें और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, जो हमने ज्ञान तुम्हें दिया है कन्हैया वह ज्ञान तुम अपने अंदर मत रखना, वो ज्ञान जो हमने तुम्हें दिया है वो एक दिन सारे संसार में फैला देना उसे, यही मेरी दक्षिणा है। और उसी गुरुवचन को पालन करते हुए कन्हैया ने महाभारत के समय महाभारत के बीच में अपने रथ को रोककर जो गीता का ज्ञान दिया है सारे संसार को वो संदीपनी गुरु का दिया हुआ था, वही ज्ञान कन्हैया ने सारे संसार को दिया। और जब कन्हैया ने गुरु से पूछा तो गुरु जी ने तो कोई दक्षिणा ली नहीं, यही वचन लिया। तो कन्हैया फिर गुरु माता के पास पहुंचा और कहा गुरु माता गुरुदेव ने तो कोई दक्षिणा नहीं ली लेकिन आप बताओ बिना दक्षिणा के तो कोई विद्या फलवती नहीं होती है, कृपा करो आप कुछ जरूर मांग लो, आप कुछ जरूर ले लो। तो गुरु माता ने कहा कन्हैया और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक पुत्र था और वो भी समुद्र ने ले लिया था, इसलिए कन्हैया देना चाहते हो तो हमारे पुत्र को वापस ला के दे दो। कन्हैया तुरंत गया समुद्र से गुरुदेव का पुत्र लाया और पंचजन शंख लाया। गुरुदेव के पुत्र को तो कन्हैया ने गुरुदेव को दे दिया और पंचजन शंख कन्हैया ने अपने पास रख लिया। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। इस तरह कन्हैया ने दिखाया कि बिना गुरु के चाहे वो भगवान क्यों हो बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। संतन के संग संग लाग रे, संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी कटेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। अच्छी कटेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी कटेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी कटेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी।
सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी खटेगी हरे सुमिरन कन्हैया ने ये संदेश दिया कि चाहे कोई भी हो गुरु जो है बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है, बिना गुरु के परमात्मा दर्शन संभव नहीं है। इसके बाद कन्हैया मथुरा में रह तो रहा है, कन्हैया मथुरा में रह तो रहा है, लेकिन कन्हैया का मन कहाँ है? कन्हैया का मन तो ब्रजवासियों में, ब्रज गोपियों में लगा है, मैया के पास लगा हुआ है। कन्हैया रह रहा है मथुरा में, लेकिन उसका एक क्षण मन मथुरा में नहीं लग रहा। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज, उद्धव जी की कथा में ज्ञान और भक्ति का सुंदर मधुर कलह है। गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति की पुजारिन हैं। गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति की पुजारिन हैं और उद्धव ज्ञान के पक्षधर हैं। उद्धव जी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं और गोपियां प्रेम को श्रेष्ठ मानती हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। गोपियां तो प्रेम के अलावा और कुछ जानती ही नहीं है। मथुरा में कन्हैया बैठा हुआ है अट्टालिका पर और ब्रज को याद कर रहा है। आज कन्हैया ब्रज को याद कर रहा है, अट्टालिका पर बैठा हुआ गोपियों को याद कर रहा है, ग्वाल वालों को याद कर रहा है, मैया को याद कर रहा है। कन्हैया सोच रहा है, अरे सुबह उठ करके मैया मुझे नहलाती थी, मुझे वस्त्र पहनाती थी, मुझे काजल लगाती थी, ताजा माखन मिश्री का भोग लगाती थी और मैं उसके हाथ से छूट करके भाग जाया करता था तो वो मेरे पीछे दौड़ती थी और जब तक मुझे खिला नहीं लेती थी। एक बार नहीं, मैं बार 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 उसके हाथ से भाग जाता था और अपनी जिद पूरी करवाता था, लेकिन मैया तब तक नहीं मानती थी जब तक मुझे पूर्ण भोजन नहीं करा देती थी, मुझे तृप्त नहीं कर देती थी, तब तक हर जिद मेरी पूरी करती थी। आज मथुरा में सब कुछ है, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। मेरी राधा जो एक क्षण भी मेरे बिना नहीं रहती थी, क्या करती होगी? गायें जो एक पल भी मुझे देखे बिना रमाने लगती थी, क्या करती होगी? ग्वाल वाल जो एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं रहते थे, मेरी बात जो रहे होंगे आने की। कन्हैया ब्रज को याद करते करते रोने लगता है, तब तक उद्धव जी का प्रवेश होता है। कन्हैया ने अपने आंसुओं को पोछा, लेकिन उद्धव देख चुके थे। उद्धव जी ने कहा, प्यारे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपकी सेवा करते हैं नाथ, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं है, आप हर समय उदास रहते हैं, आपकी आंखों में आंसू हमने देखे, नाथ हमारी सेवा में कोई कमी रह गई। प्यारी लगता है तुम हर क्षण ब्रज को याद करते हो और ब्रज को ही नहीं याद करते हो। कन्हैया एक दिन हम तुम्हारे साथ
तुम्हारे पास थे, रात्रि में लेटे हुए थे कन्हैया, तुम सोते हुए तुम्हारे मुंह से राधा राधा निकल रहा था, सोते सोते तुम राधा राधा पुकार रहे थे कन्हैया, कौन है वो राधा जो न तुम्हें सोने देती है और न जगने देती है कन्हैया? कन्हैया ने कहा, उद्धव मैं ब्रज को नहीं भूल सकता, मैं गोपियों को नहीं भूल सकता, मैं ग्वाल वालों को नहीं भूल सकता, मैं गायों को नहीं भूल सकता, उद्धव जी मैं मैया को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। हाँ एक उपाय है, यदि तुम मुझे ब्रज को भुलाना चाहते हो तो मैं तभी भूल सकता हूँ जब ब्रजवासी मुझे भूल जाएं, उससे पहले मैं नहीं भूल सकता। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया हम ज्ञान का संदेश लेकर के जाएंगे और हम समझाएंगे गोपियों को, आप भूल जाओ। कन्हैया ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखो जब हम परमात्मा को याद करें तो ये साधारण भक्ति है, जब हम परमात्मा को याद करें तो ये साधारण भक्ति है, और जब परमात्मा हमें याद करने लगे तो ये असाधारण भक्ति है। आज कन्हैया ब्रज को याद करके रो रहा है, आज कन्हैया गोपियों को याद करके रो रहा है, आज कन्हैया राधा को याद करके रो रहा है, आज कन्हैया मैया को याद करके रो रहा है, और कहता है उद्धव, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की चाही, 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 उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, उधो मोहि ब्रज बिसरत वही ब्रज की शरत नाही।
विसर मैं ब्रज को तभी भूल सकता हूं जब ब्रज वाले मुझे भूल जाएं, जब गोपियां मुझे भूल जाएं, जब राधा मुझे भूल जाए, जब मैया मुझे भूल जाए, तब तो मैं भूल सकता हूं उद्धव, इससे पहले मैं नहीं भूल सकता हूं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया मैं जाता हूं, मैं ब्रज जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। कन्हैया ने कहा उद्धव जा तो रहे हो। कन्हैया जानते थे कि उद्धव ज्ञान के अभिमान के कारण गोपियों को राधा को प्रणाम नहीं करेंगे, तो कन्हैया ने कहा उद्धव जा रहे हो लेकिन कोई भी गोपी तुमसे बात तक नहीं करेगी, कोई गोपी तुमसे बात तक नहीं करेगी। उद्धव अगर तुम उससे बात भी करना चाहते हो तो ये हमारी बैजंती माला पहन जाओ, हमारा पीताम्बर ओढ़ जाओ, तभी वो समझेंगी कि ये हमारे कृष्ण के, हमारे कन्हैया के अंतरंग सखा हैं, तभी वो तुमसे बात करेंगी उद्धव, उससे पहले वो तुमसे बात भी नहीं करेंगी। उद्धव जी रथ पर बैठे, उद्धव जी का रथ चलने लगा और रथ के पीछे पीछे कन्हैया भागने लगा। उद्धव जी ने रथ रोका, कन्हैया तू रथ के पीछे पीछे भागे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कन्हैया ने कहा उद्धव जी मेरी मैया से कह देना कि वो दुखी मत हो, मैं जरूर एक दिन अवश्य आऊंगा, वो गायों की देखभाल रखे, मैं जरूर आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, मेरी मैया को नंद बाबा को मेरा प्रणाम कह देना उद्धव जी, और उन्हें बता देना कि मैं एक दिन अवश्य लौटूंगा। उद्धव जी का रथ बढ़ा, देखो प्यारे जिस क्षण हम अपना सब कुछ भूल कर, इस संसार को भूल कर, जिस क्षण हम परमात्मा के लिए यदि एक पग भी दौड़ेंगे तो वो हमारा ठाकुर अपना सर्वस्व भूल कर, अपना सारा ऐश्वर्य भूल कर आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। ये हमारे ठाकुर का गुण है, स्वभाव है, लेकिन हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपनी चालाकी नहीं छोड़ सकते, चालाकी नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन चालाकी नहीं छोड़ते, हर बात में चालाकी, हर जगह चालाकी, अरे संसार से क्या परमात्मा से भी चालाकी। हम अपने से ज्यादा किसी को बुद्धिमान नहीं मानते, ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है। एक व्यक्ति था अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता था, महाराज बहुत बुद्धिमान मानता था, अपने आगे किसी को नहीं मानता था। एक दिन कहीं गया होगा कुछ लेने तो दुकानदार ने उसे पैसे वापस किए, उसमें एक खोटी चवन्नी दे दी, बहुत समय की बात है तब चवन्नी चला करती थी, खोटी चवन्नी दे दी। घर पे आया तो देखें उन पैसों में खोटी चवन्नी, बोले अच्छा हमको खोटी चवन्नी दे दी, हमें, क्योंकि अपने को बड़े बुद्धिमान मानता था ना, बोले हमें खोटी चवन्नी दे दी, चलो कोई बात नहीं हम भी इसे अवश्य चला देंगे, हम जरूर चला देंगे इसे। तो उसी चवन्नी को चलाने के चक्कर में लगा रहे हमेशा। एक दिन कहीं से निमंत्रण आया तो रिश्तेदारी में जाने के लिए तैयार हुआ, स्टेशन पर पहुंचा तो सोचा अब चवन्नी चलानी है, कैसे चलाएं। तो जैसे ही ट्रेन आने को हुई नहीं बैठा, ट्रेन आ गई रुक गई नहीं बैठा, और ट्रेन जब चलने लगी तब ट्रेन में बैठा चढ़ गया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। तो ट्रेन जब धीरे धीरे चलने लगी तो उधर से एक पेपर वाला, न्यूज पेपर वाला निकला, उसे आवाज लगाई अरे भैया इधर आओ जल्दी से एक न्यूज पेपर दे दो। अब ट्रेन तो चल रही थी तो ट्रेन चलते ही चलते उसने न्यूज पेपर पकड़ाया, उसने भाई खोटी चवन्नी न्यूज पेपर वाले को दे दी और चिल्लाने लगा चल गई चल गई चल गई। ट्रेन में लोग बैठे थे, भैया क्या हुआ क्या चल गया, अरे कुछ नहीं खोटी चवन्नी थी वो चल गई, हमने चला दी, हमें खोटी चवन्नी दे हम चला ना पाए, हमने चला दी। तो जो ट्रेन में बैठे थे सीट पे उन्होंने कहा तुम बुद्धिमान तो बहुत बनते हो, चला दी ठीक रहा चला दी, लेकिन कम से कम न्यूज पेपर तो देख लो। और जब न्यूज पेपर देखा तो 2 महीने पुराना, वो 2 महीने पुराना पकड़ा गया।
इसलिए प्यारे कभी अपनी बुद्धि का अहंकार मत करना, कभी मत करना, ध्यान रखना भूल करके। इसलिए प्यारे कन्हैया किसे मिलता है, जो सरल होता है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस भय आस न दीना। करौं सदा तहि कर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। सरल बनो, शिशु बनो, उसके सामने अबोध बन जाओ। देखो फिर कितना आनंद जीवन में उमड़ता है, कितना परमानंद जीवन में होता है। प्यारे हम कठिन से कठिन बन जाते हैं, लेकिन हम सरल नहीं बन पाते, यही विडंबना है। आज उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा अहंकार हो गया। कन्हैया से विदा लेकर के उद्धव जी चले, रथ पर बैठे। तो उद्धव जी तो वृंदावन के लिए चले, लेकिन जब से कन्हैया ब्रज से गया है वृंदावन से, तब से वृंदावन का क्या हाल है। यमुना का जल गोपियों अश्रुधारा के समान लग रहा है, गायों ने चरना छोड़ दिया है। जब से कन्हैया गया है, गायों ने तृण चरना छोड़ दिया है। कृष्ण के कन्हैया के जो सखा हैं, क्योंकि कन्हैया लौटने की कह गया था ना, तो प्रतिदिन उसके जितने सखा हैं सुबह ही जाकर के मार्ग में बैठ जाते हैं और शाम तक कन्हैया के आने की प्रतीक्षा करते हैं। और जब शाम को कन्हैया नहीं आता है तो वापस निराश होकर के फिर अपने घर लौट आते हैं। यही क्रम प्रतिदिन चलता है। पेड़ सूख करके ठूठ बन गए हैं, ऐसा लग रहा है मानो सारे वृंदावन में आग लग गई हो। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, तब बे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की भुंजे। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, सब कुछ ऐसा लग रहा है किसी ने वृंदावन में आग लगा दी हो। और जब से कन्हैया गया है, मैया ने तो एक अन्न का दाना भी नहीं लिया है, अन्न का दाना तक भी। सारा ब्रज कन्हैया के वियोग में तड़प रहा है, गोपियों का तो रो रो कर बुरा हाल है। Samino Sabiopa, come here, sing the white.